इलिनॉइस ऊर्जा संयंत्र में एक परमाणु रिएक्टर शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को न्यूट्रिनो के रूप में जाने वाले छोटे मायावी कणों को पकड़ने और समझने में मदद कर रहा है। मॉरिस, इलिनॉइस में नक्षत्र पूर्व में एक सेलॉन ड्रेस्डन जनरेटिंग स्टेशन पर टीम ने एक छोटे डिटेक्टर के साथ परमाणु रिएक्टर से निकलने वाले न्यूट्रिनो का पहला माप लिया। इन कणों को पकड़ना बेहद मुश्किल है क्योंकि ये पदार्थ के साथ बहुत कम बातचीत करते हैं, लेकिन पावर रिएक्टर पृथ्वी पर उन कुछ स्थानों में से एक है जहां उनकी उच्च सांद्रता है। शोध का नेतृत्व करने वाले एक कण भौतिक विज्ञानी प्रो हुआन कॉलर ने कहा, यह एक रिएक्टर से भारी न्यूट्रिनो उत्पादन से लाभ उठाने का एक रोमांचक अवसर था, लेकिन एक रिएक्टर के बगल में शोर औद्योगिक वातावरण में भी एक चुनौती थी। यह निकटतम है कि न्यूट्रिनो भौतिक विज्ञानी एक वाणिज्यिक रिएक्टर कोर तक पहुंचने में सक्षम है। हमें इन परिस्थितियों में एक डिटेक्टर के संचालन में अनूठा अनुभव प्राप्त हुआ। हमारे प्रयोग को समायोजित करने में नक्षत्र की उदारता के लिए धन्यवाद। इस ज्ञान के साथ समूह अधिक माप लेने की योजना बना रहा है जो कण और परमाणु बातचीत को नियंत्रित करने वाले मौलिक कानूनों के बारे में सवालों के जवाबों को छेड़ने में सक्षम हो सकता है। तकनीक परमाणु अप्रसार में भी उपयोगी हो सकती है क्योंकि न्यूट्रिनो वैज्ञानिकों को बता सकते हैं कि रिएक्टर के मूल में क्या चल रहा है। डिटेक्टरों को रिएक्टरों के बगल में एक सुरक्षा के रूप में रखा जा सकता है ताकि यह निगरानी की जा सके कि रिएक्टर का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा रहा है या हथियार बनाने के लिए। न्यूट्रिनो को कभी कभी भूत कण कहा जाता है क्योंकि वे लगभग सभी पदार्थों से अदृश्य रूप से गुजरते हैं। आपके नोटिस के बिना बाहरी अंतरिक्ष में कहीं और से रास्ते में अरबों पहले ही आपके शरीर के माध्यम से जिप कर चुके हैं, लेकिन अगर आप उन्हें पकड़ सकते हैं तो वे आपको बता सकते हैं कि वे कहां से आए हैं और ब्रह्मांड के मूलभूत गुणों के बारे में क्या हो रहा है। विशेष रूप से वैज्ञानिक न्यूट्रिनो व्यवहार के विशिष्ट पहलुओं के बारे में जानना चाहेंगे, चाहे उनके पास विद्युत चुंबकीय गुण हो, उदाहरण के लिए एक चुंबकीय क्षण, और क्या वे हमारे नोटिस से छिपे हुए अभी तक अज्ञात कणों के साथ बातचीत करते हैं या नए तरीकों से ज्ञात कणों के साथ। जितना संभव हो उतने न्यूट्रिनो का व्यापक माप लेने से इन संभावनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है। कई न्यूट्रिनो की आवश्यकता ने कॉलर की टीम को परमाणु रिएक्टरों की ओर आकर्षित किया। व्यावसायिक रिएक्टर परिमाण के क्रम से पृथ्वी पर न्यूट्रिनो का सबसे बड़ा स्रोत है, उन्होंने कहा। संचालन के सामान्य क्रम में परमाणु रिएक्टर प्रति सेकंड खगोलीय संख्या में न्यूट्रिनो का उत्पादन करते हैं। वे तब होते हैं जब रिएक्टर के अंदर परमाणु हल्के तत्वों में टूट जाते हैं और कुछ ऊर्जा को न्यूट्रिनो के रूप में छोड़ देते हैं। हालांकि एक समस्या है, क्योंकि न्यूट्रिनो इतने हल्के होते हैं और इतनी कम बातचीत करते हैं, वैज्ञानिकों को आमतौर पर तरल पदार्थ का पता लगाने के साथ एक विशाल टैंक भरकर उन्हें ढूंढना पड़ता है और फिर गप्पी संकेत की खोज करते हैं कि एक गुजरने वाले कण ने इसमें कई ज्ञात प्रतिक्रियाओं में से एक का उत्पादन किया है। लेकिन एक बहुटन डिटेक्टर के लिए एक वाणिज्यिक परमाणु रिएक्टर के अंदर कोई जगह नहीं है। शोधकर्ताओं को कुछ ज्यादा चाहिए था, बहुत छोटा। सौभाग्य से कॉलर ऐसे उपकरणों के निर्माण में विशेषज्ञ है। वो पहले एक टीम का नेतृत्व करते थे जिसने दुनिया का सबसे छोटा न्यूट्रिनो डिटेक्टर बनाया था। भाग्य के दूसरे झटके में इलिनॉइस प्रमुख परमाणु ऊर्जा राज्यों में से एक है। राज्य की लगभग आधी बिजली परमाणु रिएक्टरों से उत्पन्न होती है। नक्षत्र ने कॉलर को ड्रेस्डन जनरेटिंग स्टेशन पर डिटेक्टर का परीक्षण करने की अनुमति दी, जो देश के पहले वाणिज्यिक परमाणु संयंत्रों में से एक है। इससे पहले कॉलर और उनकी टीम ने टेनेसी में ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में एक कण त्वरक में अपने छोटे डिटेक्टरों का परीक्षण किया था, जहां वे एक अच्छा संकेत प्राप्त करने के लिए पर्यावरण को ध्यान से नियंत्रित करने में सक्षम थे। लेकिन ड्रेस्डन में डिटेक्टर के काम करने के लिए उन्हें एक ऑपरेटिंग वाणिज्यिक रिएक्टर के अधिक शोर वाले वातावरण से निपटने के लिए अनुकूलित एक नया संस्करण बनाना पड़ा। आपको विकिरण, गर्मी, टर्बाइनों से कंपन, पंपों और अन्य मशीनरी से रेडियो फ्रीक्वेंसी शोर मिल रहा है, कॉलर ने कहा। लेकिन हम उन सभी चुनौतियों के आसपास काम करने में कामयाब रहे जो हमारे रास्ते में आई। प्रोफेसर हुआन कॉलर का कहना है कि यह सोचना फायदेमंद है कि हमारा काम एक लंबी स्थानीय परंपरा का हिस्सा है।
उन्होंने डिटेक्टर को एक जटिल बहुस्तरीय परिरक्षण के साथ डिजाइन किया ताकि इसे अन्य आवारा कणों से बचाया जा सके जो डेटा को दूषित कर सकते हैं। आखिरकार वे डिटेक्टर को कई महीनों तक अप्राप्य कार्य करने के लिए छोड़ने में सक्षम थे, हर समय डेटा लेते हुए। टीम अगली बार नक्षत्र के ब्रेडवो जनरेटिंग स्टेशन पर या तटीय स्पेन में वांडेल के परमाणु संयंत्र में सड़क के नीचे किसी अन्य रिएक्टर पर डेटा लेने की उम्मीद करती है। यह विधि वास्तव में न्यूट्रिनो गुणों की हमारी समझ में योगदान कर सकती है, कॉलर ने कहा। हमारे डेटा से बहुत सारे सैद्धांतिक ज्ञान निकाले जा सकते हैं। ऐसे शोर वाले वातावरण में छोटे डिटेक्टरों के संचालन के बारे में ज्ञान की भी अत्यधिक मांग है, कॉलर ने कहा। परमाणु अप्रसार समुदाय में रिएक्टरों के बगल में डिटेक्टरों को स्थापित करने में रुचि है, क्योंकि वे आपको बता सकते हैं कि कोर में क्या हो रहा है, घोषित उपयोग से किसी भी विचलन को प्रकट करना, कॉलर ने कहा। रिएक्टर किस प्रकार का ईंधन जल रहा है और यह क्या उत्पादन कर रहा है, इसके अनुसार न्यूट्रिनो का उत्पादन बदलता है, इसलिए डिटेक्टरों को हथियारों के उत्पादन के चेतावनी संकेतों की निगरानी करने में सक्षम होना चाहिए, या क्या ईंधन को गुप्त रूप से कहीं और मोड़ा जा रहा है। लेकिन इस लक्ष्य को साकार करने के लिए ऐसे डिटेक्टरों को छोटा, मजबूत और उपयोग में आसान होना चाहिए, कॉलर ने कहा कि ड्रेसडेन का काम ऐसे डिटेक्टरों को संभव बनाने के लिए मूल्यवान डेटा इकट्ठा करने में मदद करता है। न्यूट्रिनो डिटेक्टरों के लिए कई अन्य उपयोग भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बार जब हमारे पास पर्याप्त रूप से संवेदनशील न्यूट्रिनो डिटेक्टर होते हैं, तो आप उनका उपयोग पृथ्वी के आंतरिक भाग को मैप करने के लिए कर सकते हैं, शायद तेल या अन्य उपयोगी जमा का भी पता लगा सकते हैं, कॉलर ने कहा। इन पंक्तियों के साथ बहुत सारी सोच की गई है, लेकिन यह अभी भी भविष्य में है। डिजाइन पर काम करते हुए कॉलर को याद दिलाया गया कि परिसर में उनकी प्रयोगशाला 1950 के दशक में प्रो विलाद लिब्बी द्वारा शुरू किए गए कार्य की एक पंक्ति जारी रखती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी वस्तु की उम्र बताने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग कैसे किया जाए। इन अग्रदूतों को ऐसी तकनीकों के साथ आना पड़ा जिनका उपयोग हम आज भी पृष्ठभूमि शोर के एक बड़े सौदे के बीच एक अपेक्षाकृत छोटा संकेत खोजने के लिए करते हैं, उन्होंने कहा। यह सोचना फायदेमंद है कि हमारा काम एक लंबी स्थानीय परंपरा का हिस्सा है, और इसी तरह के कारणों से इलिनोइस परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए एक विशेष स्थान है। इस पर आपके विचार क्या हैं? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ओनली फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब करें एंड डोंट मिस एनी वीडियो अपडेट।